अंजलि और आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। एनएमटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। महानगर में जिन दुकानों पर मराठी भाषा में बोर्ड नहीं लगे हैं, ऐसी दुकानों पर बीएमसी 10 जून के बाद कार्रवाई करेगी। मुंबई में सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों पर बोर्ड बड़े मराठी अक्षरों में लिखने का निर्देश बीएमसी ने दिया है, जिसकी समय सीमा 31 मई को समाप्त हो गई। लेकिन बीएमसी ने 1 जून से कार्रवाई न करते हुए बोर्ड मराठी में बदलने के लिए दुकानदारों को कुछ और समय दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने दुकानों का बोर्ड मराठी में करने का निर्देश जारी किया था, लेकिन अब भी बोर्डों के नाम इंग्लिश में लिखे हुए हैं। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि दुकानदारों को यह आखिरी मौका दिया गया है, इसके बाद बीएमसी कड़ी कार्रवाई करेगी। शुरुआत में बीएमसी के निशाने पर मुंबई के 4.5 लाख दुकानें होंगी, जिनमें शोरूम, स्टोर्स व बड़ी दुकानें भी शामिल होगी। इनकार पर होगी कानूनी कार्रवाई। बीएमसी के उपायुक्त संजोग कबड़े ने बताया कि दुकानें प्रतिष्ठान मराठी में बोर्ड लगा रहे हैं, यानी प्रत्येक वार्ड में निरीक्षण किया जाएगा। इसके लिए 75 इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा उनके साथ एक अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेगा। निरीक्षण के दौरान यदि मराठी बोर्ड लगाने से दुकानदार इनकार करता है तो उसके खिलाफ न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। यदि दुकानदार कोर्ट की कार्रवाई से बचना चाहेगा तो उसे जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके तहत दुकान में कार्यरत प्रति व्यक्ति के हिसाब से 2000 रुपए का दंड वसूला जाएगा।